हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ये फ्रेश नारियल के बहुत ही टेस्टी मुंह में घुल जाने वाले लड्डू, जिन्हें आप एक बार बनाएंगे तो बार बार ज़रूर बनाएंगे और सब आपसे पूछेंगे ज़रूर कि आपने इनको कहाँ से मंगाया है, क्योंकि ये लड्डू बिल्कुल भी घर में बनने जैसे नहीं लगेंगे। तो चलिए फटाफट से देखते हैं रेसिपी को। पसंद आएगी तो शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इन लड्डू को बनाने के लिए मैंने ले लिया एक फ्रेश नारियल। इसके पानी को निकाल कर मैंने अलग रख लिया था और अब हम इस नारियल को रिमूव कर देंगे। तो इसका मैं एक आपको आसान सा तरीका बताती हूँ। इस तरीके से आप एक पीस को 3 से 4 मिनट गैस पर लो फ्लेम पर रख दें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि नारियल जो है वो अपनी सतह से अलग होने लगेगा। इस तरीके से आप करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से नारियल को निकाल सकते हैं। देखिए किनारों को इसने हल्का हल्का छोड़ दिया है। अब बस इसे किसी हल बेलन से या कोई हथौड़ियों से हल्का सा टैप करें और इस तरीके से चाकू से हटाएंगे तो बहुत ही आसानी से जो आपका नारियल है वो निकल जाएगा। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हमारा नारियल निकल गया है। अब इसे धोकर और अच्छे से पहले पीछे वाला जो छिलका है वो हटा दें, क्योंकि हमें ये वाला छिलका इसका नहीं चाहिए लड्डू बनाने के लिए। और अब इसके छोटे छोटे से पीस कर लें। देखिए बिल्कुल कच्चा नारियल था तो काफ़ी आसानी से ये कट जा रहा है। तो इस तरीके से मैंने नारियल के पीसेस कर लिए हैं और अब मैं डालूंगी इसे मिक्सी के जार में। और अब इसमें जो नारियल का पानी निकला था वो डाल दें थोड़ा सा और इसका एक पेस्ट बना लें। अगर वो ना हो आपके पास तो थोड़ा सा दूध भी ऐड कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल बारीक साफ इसका पेस्ट बना लें। तो ये हमारा करीब 1 कप के करीब नारियल का पेस्ट बनकर तैयार हुआ है। अब मैंने रख ली गैस पर एक कढ़ाई और इस पेस्ट को मैं इसमें डाल लूँगी। और अब हमें पहले क्या करना है, 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पर इसको भूनना है, जिससे इसका जो थोड़ा सा मॉइस्चर है वो सूख जाए, क्योंकि हमने इसे पीसने में थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल किया था तो हल्का सा मॉइस्चर इसमें रहेगा। 3-4 मिनट बस भून लें इसे। और आपको ध्यान रखना है कि इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होने देना है। देखिए 3-4 मिनट हो गई लो फ्लेम पर भूनते हुए। अब इसमें डाल दी मैंने 1/2 कप चीनी और एक बिल्कुल मलाई वाले टेस्ट के लिए मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच दूध की मलाई, जो जनरली घर पर अवेलेबल होती है वही। और इसको मिलाकर अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लें। अब इसमें चीनी डाली है तो चीनी थोड़ा थोड़ा सा मॉइस्चर रिलीज करेगी। देखिए हल्का हल्का सा मिक्स हमारा गीला होना स्टार्ट हो गया है। अब इस समय इसका टेस्ट बहुत अच्छा रहे इसके लिए आप डाल दें इसमें 4 से 5 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर की। कोई भी मिल्क पाउडर आप ले सकते हैं। अगर मिल्क पाउडर ना हो तो आप इसमें मावा भी ऐड कर सकते हैं। और अब इन सारी चीज़ों को हमें तब तक पकाना है कि जब तक ये सारा मिक्स जो है पैन को ना छोड़ दे। हार्डली 3 से 4 मिनट में ये धीरे धीरे पैन को छोड़ना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए 3-4 मिनट हो गए हैं भूनते हुए। अब इस समय डाल दें इसमें 1 चम्मच घी की। इससे बहुत ही अच्छा मॉइस्चर भी आएगा और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा रहेगा। और अब इस तरीके से बस जब ये पैन से बिल्कुल अलग होने लगे तब तक आप इसे पका लें। देखिए हमारे मिक्स ने पैन को छोड़ दिया है। गैस का फ्लेम बंद कर दें और इसे कम्प्लीटली ठंडा होने दें। देखिए मिक्स कम्प्लीटली ठंडा हो चुका है। और अब मैंने ले लिया थोड़ा सा ड्राई पाउडर कोकोनट का, जो डेसिकेटेड कोकोनट होता है वही, जिससे बहुत ही अट्रैक्टिव भी नज़र आएंगे। ये ना हो तो आप बिना इसके भी बना सकते हैं, लेकिन इससे दिखने में बहुत अच्छे लड्डू लगते हैं। आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट मिक्स हमारा बनकर तैयार हुआ है। लड्डू भी कितनी आसानी से बन जा रहे हैं। अब इन लड्डू को हल्का सा सूखे नारियल के पाउडर में कोट कर लें। इससे जो इनका लुक और टेक्स्चर है वो बिल्कुल मार्केट जैसा आएगा। कोई बता ही नहीं पाएगा कि आपने इन लड्डुओं को फ्रेश नारियल से और घर में बनाया है। तो इस तरीके से धीरे धीरे आप अपने सारे लड्डुओं को रेडी कर लें। तो जितनी क्वांटिटी मैंने आपको बताई इतनी क्वांटिटी में हमारे करीब 1.25 किलो के करीब ये जो लड्डू हैं वो बनकर तैयार हो जाएंगे। तो देख सकते हैं आप कितने कम खर्च में और बहुत ही आसान करने वाली हूँ ये बहुत ही टेस्टी से कच्चे नारियल के मलाई लड्डू, जिन्हें मैंने बनाया है बहुत ही झटपट तरीके से। और आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे मुँह में घुल जाने वाले लड्डू हमारे बनकर तैयार हुए हैं। और इनको बनाने में मुश्किल से आपको 5 से 7 मिनट लगेंगे। बहुत ही आसान तरीका आज मैं आपसे इनका शेयर करने वाली हूँ। इनको बनाने में मुश्किल से आपको 5 से 7 मिनट लगेंगे। बहुत ही आसान तरीका आज मैं आपसे इनका शेयर करने वाली हूँ।